हेलो दोस्तों, शडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल और दरोगा की नई भर्ती के इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। बहुत दिनों से बस पेपर में एक न्यूज बनकर रह गया है कि नई भर्ती आ रहा है, नई भर्ती आ रहा है। आज के भी पेपर में देखिएगा, अलग अलग न्यूज पेपर में ये आपको निकल कर आ रहा है। तो क्या अब नई भर्ती आने वाला है, और नई भर्ती आएगा तो कितने पदों पर आएगा, कौन कौन डिपार्टमेंट में कॉन्स्टेबल और दरोगा और ड्राइवर के पोस्ट आएंगे, काफी अभ्यर्थी जानने के लिए इच्छुक थे, बोल रहे थे सर इस पर एक वीडियो बनाइए। आज के न्यूज़पेपर में देखोगे इस बारे में अपडेट भी आया है। तो अब आप लोगों को ज्यादा दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको जानकारी दिया था कि अब आपको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा। तो कौन कौन से पोस्ट है, 67,000 प्लस पद पर आपको भर्ती होने की योजना बना रहा है पुलिस मुख्यालय। आखिर ये कब तक पूरा पद भरा जाएगा, और क्या अभी बिहार पुलिस का रेशियो है अगर सेंटर से देखा जाए, ये सभी जानकारी ये आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी भर्ती कब आने वाला है, आखिर भर्ती में क्यों डिले हो रहा है, ये भी जानकारी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बात करेंगे दरोगा और कॉन्स्टेबल यानी सिपाही दोनों भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। 2023 में हजारों अभ्यर्थी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, और बहुत दिनों से आप लोग इस भर्ती के इंतजार कर रहे हैं। ठीक, यहां पर आप देखिएगा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में कोई भी निकाल कर देख लीजिए, अपडेट दिया हुआ है और पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर की ही बात करेंगे, चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ये रहा आपको, दो दो आपको मैंने कटिंग रखा है। यहाँ पर देखिए 9 फरवरी 2023 डेट में जो अपडेट दिया गया ये भी, और आज जो न्यूज़पेपर में आया है आप देख सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी सॉफ्ट कॉपी में भी। तो क्या दिया है, ये क्या बात सच्चाई है, तो एकदम 100% ऑथेंटिक बात है। ये पहले से आपको कवायद में जो मुख्यालय जुटा हुआ है, बस पैसा का था कि पैसा आपको वित्त मंत्रालय से पैसा उतना आवंटन कर दिया जाए, सो ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आप काम पूरा होने को दिखाई दे रहा है। देखिए 67,000 नए पदों पर भर्ती जल्द, और ये आप देखिएगा बहुत से लोग बता देंगे कि एक साल में ये भर्ती होगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये तीन फेज का भर्ती है। इससे पहले भी आप देखिएगा कि जब पुलिस रेशियो बहुत ही गड़बड़ा गया था, तो फिर आपको हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा था, और हाईकोर्ट बीच में आया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। देन जाकर आप देखोगे लगातार दरोगा और कॉन्स्टेबल की भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट कराया गया था। ठीक, और फिर ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है, सेंटर बार बार बोल रहा है कि बिहार का आपको जनसंख्या काफी बढ़ रहा है और उस रेशियो में पुलिस कर्मियों की संख्या कम है, इसलिए अपराध की भी देखिएगा ज्यादा कहतर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, और उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ एक एक चीज। हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य सरकार ने पुलिस रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस महकमे में, देखिए गृह विभाग ने बुधवार को ही यहां पर देख सकते हैं पुलिस महकमे में 67,000 नए पदों के सृजन से संबंधित संकल्प पारित कर दिया है। इन पदों को भरने में एक साल में जो होगा ये भरने में देखिएगा 4,182,28,00,000 रुपया का खर्च होगा, यानी 4,000 करोड़ रुपया आपको खर्च हो जाएगा, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। ठीक, 4,182, ये देखिए 4,182,28,00,000 रुपया खर्च आएगा। बिहार पुलिस ने 2026 तक 2.56, तो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 2.56 मतलब 2,56,000 2026 तक। 2023 चल रहा है, 3 साल का योजना, मैं बार बार आप लोगों को यही चीज बताते चलता हूं कि आने वाले कभी भी 3 साल की भर्ती ये सब दिया जाता है, इतना जरूरत पूरा करने के लक्ष्य बनाया गया है। और ये भी आपको डिपेंड करेगा सरकार के मंशा के ऊपर कि सरकार कितना जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरा कर रहा है। ठीक, इसके तहत कवायद में शुरू कर दी है कवायद। इन 67,000 पदों में करीब 48,400, यहां पर देख सकते हैं कि ये मैं आपको थोड़ा कलर बदल लेता हूं, ये देखिए 48,447 पद सीधी नियुक्ति से भरी जाएंगे, यानी कि ये 67,000 पद में देखिएगा टोटल 48,000 जो पद होगा वो सीधी। तो आप बोलिएगा सर और सब पद का होगा, सो और सब पद जो प्रमोशन से भरा जाता है, जैसे इंस्पेक्टर जो बनते हैं प्रमोशन से, कुछ पद एएसआई वाला, हेड कॉन्स्टेबल वाला, बहुत से पद जो होते हैं जो प्रमोशन से भरे जाते हैं। ठीक, तो ये प्रमोशन से सीधी नियुक्ति पदों में 20,937 दरोगा और उसके समक्ष पद होगा, यानी कि दरोगा और उसके समक्ष आपको देखिएगा लगभग 20,000 पद है, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। सिपाही चालक के देखिएगा 5,500 और सिपाही के 22,010 पद शामिल है। ये आप बहुत पहले से भी डाटा आप लोग देख रहे होंगे अलग अलग न्यूज पेपर में, बट ये डिपेंड करता है कि सरकार कितना जल्दी ये आपको काम कर रहा है। ठीक, और ऐसा है नहीं कि ये भर्ती नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, भर्ती कंडक्ट कराया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी भी जो ट्रेनिंग देने का है बिहार में वो बहुत ही कम है। ठीक, और दरोगा का आप देख लिया जाए 2,200 दरोगा का कैपेसिटी था, अब तो डुमराव में भी कहा गया था बट वहां पर नहीं दिया गया, तो वहां पर ही आपको देखिएगा राजगीर में ही दिया जाएगा। 200-250 लगभग डीएसपी का ट्रेनिंग देने की क्षमता है, कॉन्स्टेबल के लिए ये क्षमता और भी बढ़ाया जा रहा है। यहां पर आप देखिएगा सिपाही के 22,000 पद यहां पर है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, अब ये देखिए ई जो आ रहा है ये आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम,
आरएसएस जी से बोला जाता है, डायल 112, तत्काल आपको सेवा में पुलिस उपलब्ध हो जाएगा विद इन आपको मिनट के अंदर। ठीक, तो ये देखा जाए तो इसका दूसरा चरण भी लागू किया जा रहा है। पहला चरण में आप देखिएगा कि अपने ही डिपार्टमेंट से लेकर लागू किया गया था, जमीनी स्तर पर देखा जा रहा था कि सही हो रहा है कि नहीं, बट इसका रिजल्टेंट अच्छा आया है। देन सरकार ने सोचा है कि इसको बेहतर तरीका से डायरेक्ट भर्ती कर इसकी संख्या बढ़ाया जाएगा। इसमें देखोगे कि आपको 19,288 पद भरे जाएंगे। 19,288 में ये कौन कौन पद भरे जाएंगे ये देख लो। राज्य कैबिनेट स्तर से पहले ही इसकी मंजूरी दे दी गई है, कैबिनेट मंजूरी दे दिया है 112 आपको जो है डायल के लिए। इंस्पेक्टर रैंक में इसमें 259 पद है, दरोगा के लिए 1829 पद है, जमादार के लिए 1218, हवलदार के लिए 2943 है और चालक हवलदार के लिए 694 है। चालक सिपाही यानी गाड़ी चलाने के लिए होंगे ही, तो ये आपको देखिएगा 2353 है और सिपाही के लिए 9992 पद भरे जाएंगे। ये आपको देखिएगा कि ये आपको टोटल 19,000 पदों में ये पद दिया हुआ है। ठीक, केंद्र के यहाँ पर देखिए, केंद्र के महानिबंधक के आकलन के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 2026 तक करीब 13,22,65,000 तक पहुंच जाएगी। इस जनसंख्या के आधार पर राज्य में 256,528 पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ेगी। जनवरी 2001 का अगर डाटा देखा जाए तक प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों का राष्ट्रीय औसत 194 पहुंच गया है, जबकि अगर बिहार में यही देखा जाए तो 117 अभी है। यानी बिहार पुलिसकर्मियों की संख्या में अगर देखा जाए तो बहुत ही निचले पायदान पर आता है। ठीक, कहने का मतलब कि 1,00,000 पर कितना पुलिसकर्मी है तो अभी बिहार में 117 है, लेकिन अगर सेंटर लेवल पर देखा जाए तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ठीक, अब यहां पर देखा जाए वर्तमान में बिहार पुलिस में स्वीकृत पदों की संख्या 152,274 है। कितना है पदों की संख्या जो है 152,274, इसमें बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये 152,274 के लिए 67,000 भर्ती की जरूरत है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो 2,00,000 ये जो आपको बताया जा रहा है कि ये यहां पर जो संख्या दिया हुआ है कि 256,000, तो ये 2026 तक 256,000 पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ेगी, बट अभी ये जरूरत है। लेकिन आप क्या समझिएगा कि अभी 67,000 भर्ती बिहार सरकार कर ही लेगा, कहां से पैसा लाएगा? हकीकत जो है उसे भी आपको फेस करना होगा, हकीकत जो है वो जानना होगा। तो ये आपका रहेगा रिक्त पद भर, जो भरना है, इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरोगा का 20,000 है, तो क्या दरोगा का 20,000 पोस्ट आ जाएगा? सब लोग जानते हैं कि ये 3 बार में भर्ती होता है। ठीक, और दरोगा के बहुत से पोस्ट जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको दिखाई देते हैं। ठीक, अब आपको ईआरएस भी आ गया है, यानी कि इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम जो आपको आ चुका है 112 डाई, उसके तहत भी आपको भर्ती कंडक्ट कराए जाएंगे। पैसा आवंटन करना पड़ता है, सरकार पुल पुलिया ये जो ढहल होता है जहां पर कम ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, कम पैसा लगाकर पुल गिर जाता है, उसमें कोई संज्ञान नहीं लेता है। युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। कम से कम नीतीश कुमार ये बोले थे कि अब यहां पर जो युवा हैं उनको भर्ती के लिए नए नए पद आपको सृजित किए जाएंगे और भर्ती निकाला जाएगा, बट ये देखने को संतोषजनक तो दिखाई नहीं देता। बट ये भी जिसमें लाखों अभ्यर्थी इंतजार करते हैं, अगर ये भी भर्ती आ जाता है तो बड़ी खुशी की बात होगी। यही जानकारी यहां पर भी दिया हुआ है, टोटली वही सब जानकारी आपको दिया हुआ है। इसका जो पीडीएफ होगा मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, स्टडी मोड के टेलीग्राम, नीचे आपको लिंक मिल जाता है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी मैं वहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा कर देता हूं। तो कॉन्स्टेबल की बात करें तो कॉन्स्टेबल की अब जो भर्ती निकालता है और उसका जो भर्ती कंडक्ट कराया जाता है ये सीएसबीसी द्वारा, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल सीएसबीसी जो है ये आपको कंडक्ट कराता है एग्जाम, और इसमें इंटरमीडिएट लेवल मांगा जाता है। ईआरएसएस का भी भर्ती सीएसबीसी कराएगा, यानी कि इस बार कॉन्स्टेबल के 2 भर्ती देखने को मिलेंगे, एक डायरेक्ट और एक ईआरएसएस के तहत। ठीक, फिर हम बात करें ड्राइवर का भी पोस्ट अच्छा खासा खाली है और उसका भी संकेत पहले ही दिया जा चुका है, तो ड्राइवर वाले भी अभ्यर्थी तैयार रहेंगे। यहां पर बस एक आपको संकोच है कि जैसे उम्र जिनका बीत गया है, यानी लॉकडाउन के कारण जिनका उम्र प्रभावित हुआ है, उनको भी उम्र में छूट मिलना चाहिए कम से कम 1.5 से 2 साल तक, क्योंकि एक बार उनको भी मौका मिलना चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए। जैसे अलग अलग जो आयोग है, सेंट्रल आयोग हो या अदर स्टेट में भी देखा जाए तो छूट मिल रहा है, तो सीएसबीसी से ये रिक्वेस्ट होगा, काफी अभ्यर्थी संज्ञान भी लिखे हैं, हम खुद जाकर आपको संज्ञान दिए हैं इस बात के कि छूट मिलना चाहिए। ठीक, और मुझे लगता है कि छूट मिलेगा, होप तो यही रखा जाता है, शुरू में निगेटिव सोचने की कोई बात नहीं है। हाँ, जब लगेगा कि नहीं हम लोग को कुछ करना होगा, हम लोग अपना बात पहुंचाना होगा, तो वो शांतिपूर्वक तरीका से हम लोग बात भी अपना पहुंचाते हैं। तो छूट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिलता है तो लाखों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, बिना एग्जाम बिना कंपटीशन के बाहर हो जाएंगे। तो उनको अगर एक बार छूट मिल जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन तो वैसे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और उस कंपटीशन में और भी अभ्यर्थी आ जा रहे हैं जिनका मन है कि मुझे एक बार और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि भर्ती में डिले हो चुका है, तो मिलना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, आपको देखोगे कि जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीएसबीसी कंडक्ट कराता है, उसमें इंटरमीडिएट आपको चाहिए ही चाहिए, ये क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। फिर एज जो होता है वो जनरल के लिए 25 साल हो जाता है, आपको देखोगे बीसी के लिए 27 साल तक हो जाता है मेल कैटेगरी में अगर देखा जाए, और एबीसी के लिए आपको देखोगे तो एज जो होता है वो आपको डिफर करता है, फीमेल में भी मेल में भी।
ओबीसी जो होता है बिहार में दो भाग में हो जाता है, बीसी और ईबीसी में। एससी एसटी सेम है जैसे सेंट्रल में है वैसे बिहार में है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो ये चीज होना चाहिए कि एज में कम से कम छूट मिलना चाहिए, मेरे कहने का मतलब फाइनल यही है। फिर बात करते हैं दरोगा का। दरोगा का भर्ती लेता है बीपीएसएससी। दरोगा के अंतर्गत तीन भर्ती आपको देखने को मिलेंगे, आपको जितना जल्दी हो सके बीपीएसएससी अगर ये कवायद में जुट जाता है। जैसे कि पहला नंबर तो बहुत दिनों से एक्साइज दरोगा के लोग इंतजार कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती लगातार होते जा रहा है और एक और भर्ती आएगा एक्साइज कांस्टेबल का, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। एक्साइज दरोगा का जो है काफी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, सीट भी खाली है लेकिन बहुत दिनों से उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, जो कि इस क्षेत्र में काम करना चाहिए बीपीएसएससी को, और जल्दी से मुख्यालय की तरफ से भी अपना सीट दे देना चाहिए, यानी कि भर्ती कराने के लिए बीपीएसएससी को। फिर हम बात करते हैं ईआरएसएस के तहत, तो दरोगा का भर्ती होगा ही, समान जो दरोगा का पद है वो भी, क्योंकि समय समय पर गांधी मैदान में ही मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया है कि ये जल्दी भर्ती आपको आएगा, पुलिस कर्मियों में बड़ा से भर्ती देखने को मिलेगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि महिलाओं के जो 35% सीट है उसका ढिंढोरा सब लोग पीटता है कि इतना महिलाएं हैं बिहार पुलिस में, इतना महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या और भी बढ़ सकता है अगर भर्ती लगातार एक एक डेढ़ साल पर दिखाई देता है तो और भी बढ़ सकता है, और वो भी अच्छा लगेगा देखने में कि पुरुषों की भी संख्या बढ़े, महिलाओं के पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़े। बस ये कह देना कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है हमारे पुलिसकर्मी में, बट ये नहीं देखना कि पुलिसकर्मी कम है, क्योंकि इससे आपको ज्यादातर देखिएगा कि अलग अलग जगह पर आप देखिएगा कि केस भी बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं कि लूटमार का केस का, ये सब अपहरण का, ये केस बढ़ रहे हैं, तो ये सबको बंद करना है तो पुलिस कर्मी की जो रेशियो है ये आपको मेंटेन करके रखना होगा, और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी समय समय पर संज्ञान लेते रहता है। तो मैं ज्यादा यहाँ पर बात नहीं करूंगा, ये मैं जरूर कहूंगा कि आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में, ये आपको अनुमान लगाया गया है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा दरोगा और कांस्टेबल का। ठीक, तो उसका डेट का इंतजार आपको करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अपनी तैयारी आपको छोड़ देनी चाहिए। तैयारी हमारे द्वारा भी कराया जाएगा आप लोगों को, और अच्छा बैच भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आपकी तैयारी में अच्छा प्रोग्रेस दिखाई दे। ठीक, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कट ऑफ के ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा कि पिछला कट ऑफ कैसे कैसे आपको इंक्रीज हुआ है, आप लोग कहिएगा। तो ये था, और ये आपको दिखेगा ईआरएसएस काफी बोल रहे थे कि सर ई का होता है जो होता है जो 112 डायल क्या होता है, इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम जो टीम आपको दिखाई देता है, तो ये आपको देख सकते हैं कि 7 फरवरी 2023 को डायल 112 टीम द्वारा भोजपुर के केशवपुर बड़हारा में एक बच्ची के परिजनों से बिछड़ने की सूचना त्वरित कार्रवाई करते हुए आधे घंटे के अंतर्गत बच्ची को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। यानी कि ये आपको देख सकते हैं कि आपके रोड पर कहीं कहीं दिखाई देता हुआ, पटना में तो हर जगह आपको लगा हुआ है होर्डिंग, ये 112 होता है। फोन कीजिएगा 112, कहिएगा कि हमको पुलिसकर्मी की जरूरत है, यानी कि हमारी सुरक्षा भी खत्म हो रहा है, यानी तो इस तहत आपको ये आएंगे। यानी कहने का मतलब कि जल्दी से अगर पुलिस आपको आना है तो 112 डायल करना है इमरजेंसी के तहत। इमरजेंसी ये नहीं कि कोई भी बात में आप 112 डायल कर दी, वो नहीं, ये इमरजेंसी के तहत आपको होता है। इमरजेंसी कॉल यहाँ पर साफ साफ दिखाई दिया हुआ है और यही होता है, और इसमें कोई खास होता नहीं है। हाँ, इसका अलग ही एक आपको बनाया गया है सब जो प्रोसेस होता है, यानी कॉल जाएगा, कॉल कौन रिसीव करेंगे, फिर आपको टीम तैयार रहेगा, वो टीम जल्दी से आपको जहां से कॉल आया है वहां पर जल्दी से पहुंचेगा, तो इसके तहत की जो अपराध है उसको कम किया जा सके और त्वरित कराई करते हुए आपको जो न्याय मिल सके। ये चीज है, ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आज देख रहा था तो मैंने आप लोगों को लगा दिया कि यही चीज होता है 112 के तहत, और इसी के अंतर्गत आप देखिएगा नई भर्ती आएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई मन में डाउट है तो जरूर लिखिएगा। और आप देखिएगा कि दरोगा का लगभग आपको 2300 से प्लस पद आने वाला है, और कांस्टेबल का भी देखिएगा कि 7000 प्लस पद आएगा, और इसमें अलग आएगा ईआरएसएस में अलग आपको आएगा, इसमें इमरजेंसी जो सपोर्ट वाला है इसमें अलग आएगा 112 में। तो अपना सुझाव जरूर लिखिएगा, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।